हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों 2023 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना है। दोस्तों इस टूर्नामेंट से पहले भी कई एडिशन हो चुके हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? तो चलिए दोस्तों, आज क्रिकेट लवर आपके लिए यह जानकारी लेकर आया है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि एक वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप बैट्समैन को। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात आए या रन बनाने की बात आए और उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम ना हो यह तो असंभव है। दोस्तों सचिन वर्ल्ड कप के इतिहास के एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने 2008 के वनडे वर्ल्ड कप के 11 मैचों की 11 पारियों में 61 की बेहतरीन औसत से 673 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक शामिल था। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। दोस्तों मैथ्यू हेडन ने 2007 के वनडे वर्ल्ड कप के 11 मैचों की 10 पारियों में 73 की बेहतरीन औसत से 659 रन बनाए थे, जिसमें 3 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है। दोस्तों रोहित शर्मा ने 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के 9 मैचों की 9 पारियों में 81 की बेहतरीन औसत से 648 रन बनाए थे। दोस्तों रोहित शर्मा ने 2019 के ICC वनडे वर्ल्ड कप में 5 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड की स्टार बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल आते हैं। दोस्तों मार्टिन गप्टिल ने 2015 के वनडे वर्ल्ड कप के 9 मैचों की 9 पारियों में 68 की बेहतरीन औसत से 547 रन बनाए थे। दोस्तों गप्टिल ने 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। दोस्तों इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर एक बार फिर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। दोस्तों सचिन ने 1996 के ICC वनडे वर्ल्ड कप के 7 मैचों की 7 पारियों में 87 की बेहतरीन औसत से 523 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल था। दोस्तों इस लिस्ट में छठवें नंबर पर श्रीलंका के बैट्समैन दिलशान का नाम आता है। दोस्तों तिलक रत्न दिलशान ने 2011 के ICC वनडे वर्ल्ड कप के 9 मैचों की 9 पारियों में 62 की बेहतरीन औसत से 500 रन बनाए थे। दोस्तों दिलशान ने 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे। दोस्तों 2011 के वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल श्रीलंका और भारत के बीच खेला गया था, जिसमें भारत को जीत मिली थी और भारत दूसरी बार ICC वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीता था। दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर इंग्लैंड के ग्राहम गुच का नाम आता है। दोस्तों ग्राहम गुच ने 1987 के ICC वनडे वर्ल्ड कप के 8 मैचों की 8 पारियों में 65 की बेहतरीन औसत से 461 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल था। दोस्तों इस लिस्ट में आठवें नंबर पर भारत के राहुल द्रविड़ का नाम आता है। दोस्तों राहुल द्रविड़ ने 1999 के ICC वनडे वर्ल्ड कप की 8 मैचों की 8 पारियों में 65 की बेहतरीन औसत से 461 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल था। दोस्तों इस लिस्ट में नौवें नंबर पर न्यूजीलैंड के मार्टिन को का नाम आता है। दोस्तों न्यूजीलैंड के मार्टिन को ने 1992 के ICC वनडे वर्ल्ड कप की 9 मैचों की 9 पारियों में 114 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 456 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल था। दोस्तों इस लिस्ट में दसवें नंबर पर इंग्लैंड के डेविड ग्रोवर का नाम आता है। दोस्तों डेविड ने 1983 के ICC वनडे वर्ल्ड कप के 7 मैचों की 7 पारियों में 76 की बेहतरीन औसत से 384 रन बनाए थे। दोस्तों 1983 के वनडे वर्ल्ड कप में डेविड ने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। दोस्तों अब ICC वनडे वर्ल्ड कप का अगला सीजन 2023 के अक्टूबर में खेला जाएगा, जो कि भारत में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस बार भारत का कोई प्लेयर इस बार सबसे ज़्यादा रन बना सकता है, या फिर आपके हिसाब से कोई और प्लेयर हो सकता है? तो आप नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों ऐसी क्रिकेट के छोटे छोटे अपडेट के लिए, न्यूज़ जानकारी के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।